इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बड़ी हिंसा की खबर सामने आई है। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन के दौरान करीब 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और एक 16 साल का लड़का भी शामिल है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही इस मामले की जानकारी सार्वजनिक की है। यही नहीं, वेस्ट बैंक में ही एक दूसरे हमले में घायल हुए कुछ लोगों की मदद करने के लिए गए एम्बुलेंस ड्राइवर की भी हमले में मौत। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने 19 अप्रैल की सुबह फिलिस्तीनी शहर तुलकर्म के पास नूर शम्स इलाके में छापेमारी शुरू की। इस इलाके में 1948 के युद्ध के शरणार्थी और उनके वंशज रहते हैं। ये वही युद्ध है जिसके बाद इजरायल का निर्माण शुरू हुआ था। तुलकर्म इलाके में रहने वाले लोगों ने घटना के कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें एक बुलडोजर को एक इमारत को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। एक और वीडियो में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जाने के बाद एक एम्बुलेंस कैंप में जाती हुई नजर आती है। खबर है कि आईडीएफ ने 24 घंटे से ज्यादा समय तक छापेमारी की और इसके बाद वो कैंप से चली गई। वो फिलहाल पास के शहर तुलकर्म में मौजूद है। कुछ समय बाद उनके और स्थानीय लड़ाकों के बीच गोलीबारी की खबरें भी सामने आ रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक छापे के दौरान कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल है। मंत्रालय का कहना है कि डॉक्टरों को कैंप के अंदर कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर के बारे में उन्हें सतर्क कर दिया गया था, लेकिन इजरायली सेना उन्हें घायलों का इलाज करने के लिए इजाजत नहीं दे रही है। इधर इजरायली मिलिट्री ने 20 अप्रैल को बताया कि छापे के दौरान उन्होंने 10 आतंकवादियों को मार गिराया, वहीं 8 वांटेड संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी में कम से कम 4 इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दूसरी घटना में नबलस शहर के दक्षिण में अल साविया गांव के पास इजरायली गोलीबारी में 50 साल के एक एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। वो घायल लोगों को लेने के लिए जा रहे थे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब गाजा में हिंसा में मरने वालों की संख्या 34,000 से ज्यादा हो चुकी है। इजरायल और फिलिस्तीन से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।